أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين हजरत ग्रामी हरमत वाले महीने के मशरू और ममनु आमाल के ताल्लुक से बात चल रही है चार हरमत वाले महीनों में से तीन लगातार जुल्कादा, लजा और मुहर्रम में से एक महीना जुल्कादा खत्म हो गया है अगर उनतीस का महीना हो तो चांद अगर नजर आया है उनतीस का महीना हो तो ख़त्म हो गया और अगर चांद नजर नहीं आया तीस कल मुकम्मल करके परसों से शुरू हो जाएगा जुलहिजा का महीना जल्हिजा के महीने की इब्तदाई दस अयाम बहुत ही अहम है और इनमें जो काम करने हैं वो इन मैं अर्ज़ करूँगा खूसी तौर पर हाजी लोग हज के दौरान जो गलतियां करते हैं जो करना और नहीं करना उन बातों को भी अर्ज करूंगा इन प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम के हदीस है कि दुनिया के तमाम अय्याम में सबसे ज्यादा महबूब तरीन पसंदीदा अयाम जुलहिज्जा के महीने की इब्तदाई दस अय्याम हैं यहाँ तक कि साब इकराम ताज्जुब के बारे में पूछे कि अल्लाह के रसूल के अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी बढ़ के कहा कि हाँ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी बढ़ के हैं हाँ कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल गया और जान का नजराना पेश किया माल भी लुटा दिया तो वो सबसे अफजल है वरना इन दस अयाम की इबादतें बहुत अफजल हैं इन अयाम में कसरत से रोजा रखना चाहिए नौ रोजे रखने का भी सबूत मिलता है या खूस नौ तारीख का रोजा जो योम अरफा है नौ तारीख योम अरफा है हाजी लोग अरफा के मैदान में जिस दिन रुकते हैं वो या उम्य अरफा नहीं है याद रखिए जगह से डेट नहीं है डेट से जगह है जगह की वजह से डेट मुतन नहीं होती है डेट तो चांद की वजह से अलग अलग एतबार से मुतन वरना बास इलाके में मक्का मदीने से पहले भी चांद नजर आ जाता है नौ दस तारीख होगी तो वो कब रोजा रखेंगे हमें जिक्र अस्कार करना है और कर्बानी की तैयारी करना है इनशालाने वाले गलतियां और इससे मुतातियां अर्ज करूंगा लेकिन सबसे पहले जो अमल हाजी लोग करते हैं वो है अहराम बाद के वो उम्रे का इरादा करते हैं और अगर आठ जिल हिजा हो तो हाजी लोग हज का इरादा करते हैं हज का इरादा करते हैं तो इनसे क्या क्या गलतियां होती है क्या क्या गलतियां सरजत होती है आइए मैं सरसरी तौर पर आपको अर्ज किए देता हूं पहली बात हज उमरा से पहले आदमी को एहराम बांधना हाजी और मोहतामिर कोहराम बांधना है तो एहराम जो बांधना है एहराम के ताल्लुक से एहराम की दो रकात नमाज के ताल्लुक से गलत फहमी क्या है दो रकात गलत फहमी क्या है एहराम की दो रकात नमाज है या नहीं है इस ताल्लुक से गलत फहमी क्या है इस ताल्लुक से बात इंशाल्लाह अर्ज करूंगा हाजरीन एहराम की दो रकात नमाज है या नहीं इस ताल्लुक से जो गलत फहमी है एहराम की दो रखात नमाज नहीं है एहराम की दो रखात नमाज नहीं है बल्कि प्यारे अलैहि वसल्लम का यह तरीका रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद एहराम बांधे हैं नमाज के बाद एहराम बांधे हैं नमाज यानी जहर या असर ऐसे कोई फर्ज नमाज पढ़ने के बाद आप एहराम बांधे हैं तो अफजल यह है कि आप किसी नमाज के बाद बांध ले अगर कोई नमाज का वक्त नहीं है पर्टिकुलर एहराम के वास्ते दो रकात नमाज नहीं है एहराम के दो रकात नमाज जो मशहूर है यह नहीं है यह गलत फहमी आमतौर से सरसद होती है दूसरी बात एहराम के ताल्लुक से कि एहराम कहां से बांधना है तो एहराम मिकात, मिकात से बांधना है मिकात से कबल नीयत और तलबिया यह नहीं है मिकात यानी हदूद हरम से पहले कुछ इलाके हैं जो मिकात कहलाते हैं जो मिकात कहलाते हैं तो मिकात जो है मिकात के इर्द गिर्द मिकात के इर्द गिर्द जो इलाका है उससे पहले बहुत पहले एहराम बांध के नीयत कर लेना यह दुरुस्त नहीं है एक होता है कि आप फ्लाइट में हैं फ्लाइट में होने की वजह से आपको मौका नहीं मिलेगा आप हो सकता है कि मिकात पार कर जाए मिकात पार कर जाए तो ऐसी सूरत में क्या करना है तो आप एहराम के चादर ओढ़ लें, लेकिन अभी नियत ना करें नियत ना करें गोया के ड्रेस आपने पहन लिया है ड्रेस आपने पहन लिया है घर से हो एयरपोर्ट से हो या फ्लाइट में हो आपने अहराम बांध लिया यानी अहराम के कपड़े आपने पहन लिए हैं अभी नियत नहीं करना है क्योंकि मीकात से बहुत पहले नियत करना यह दुरुस्त नहीं है मीकात पहुंचकर जब अनाउंसमेंट हो मीकात करीब है तो उस वक्त आपको तलबिया कहना है अगर आपका इरादा उम्रे का है तो अल्लाह लब्बैक उमरा हज का है अल्ला बाइक हज जान ये कहना है ये कहना है अब ये जो नीयत है क्या ये जबानी नीयत है नीयत दिल के इरादे को कहा जाता है किसी भी इबादत के लिए जबानी नीयत नहीं है हज के लिए भी ये जबानी नीयत नहीं है तो तलबिया है नीयत दिल में है इरादा दिल में होता है हा? आपने इरादा कर लिया वो नीयत है ये तलबिया है और ये तलबिया आपको कहना है जबानी तौर पर उमरे के लिए अल्लाह मब्बैक उमरा और हज के लिए अल्लाह मबैक हजन यह बात हुई तो एक चीज है गलत सहमी आती कि बहुत पहले क्या करते हैं एहराम की नियत भी कर लेते हैं तलबिया बोलना भी शुरू कर देते हैं तो मिकास से नियत करना है और तलबिया शुरू करना है तलबिया लब्बैक अल्लाह मलबाक ये कहना है कब तक यह तलबिया कहना चाहिए अगर उम्रे के इरादा है तो काबा पहुंचने तक काबा पहुंचकर आपने तवाब शुरू कर दिया है तो तलबिया बंद हो जाएगा तलबिया खत्म हो जाएगा और अगर हज का इरादा है तो हाजी हाजी आठ जल्जा को अहरामबाद के मीना जाता है मीना में उसको तलबिया कहना चाहिए अस्कार करना चाहिए फिर उसके बाद मीना से नौ तारीख को अरफा जाते हैं वहां पर भी कहना चाहिए अरफा से नौ तारीख के शाम को जाते हैं मुज़दलीफा मुज़दलीफा में रात गुजारने के बाद 10 तारीख को फिर मीना है मीना आने के बाद जब आप जमरात को जमरा को कंकरिया मारे और मारने के लिए जाए तो आप कह तलबिया उस वक्त बंद कर दें तलबिया बंद कर दें उस वक्त तक आपको तलबिया कहना आठ नौ और दस तारीख की सुबह तक दस तारीख अब मीना पहुंच गए उसके बाद जमरात को जा रहे हैं तो अब उसके बाद तलबिया की जरूरत नहीं है उसके बाद एक और गलती जो सरजद होती है वो है कि तवाफ और साई के हर चक्कर में मन घड़त दुआओं का एहतमाम करना कि तवाफ के हर चक्कर की पहले चक्कर की ये दुआ दूसरे चक्कर की ये दुआ तीसरे चक्कर की ये दुआ ऐसी कोई रिवायत साबित नहीं है ये एक गलती जो हाजी और मोतामिर से होती है साई में भी सफा से मरवा मरवा से सफा ये जो चक्कर लगाए हैं हर चक्कर की एक एक दुआ जाते हुए एक दुआ आते हुई एक दुआ ये जो बार बार अलग अलग दुआ साबित नहीं है एक और गलती जो होती है खातिन का दस्ताने और निकाब पहनना खातन का दस्ताना और निकाब पहनना खात जब एहराम का इरादा कर ले एहराम की नीयत कर ले खातन का अहराम क्या है उनका जो नॉर्मल ड्रेस है वही इसमें गलतफहमी क्या होती है कि खातिन जब इरादा कर लें तो सफेद दुपट्टा सफेद ओढ़नी ही ओढ़ना है सफेद इसका भी पहनना ऐसा कुछ नहीं है जो उनका नॉर्मल ड्रेस है वही है वही है सर से पैर तक नॉर्मल ड्रेस यहां तक के सॉक्स भी पहन सकते शू भी पहन सकते उनके लिए कोई ममनुआत नहीं है सिर्फ दो काम करना है एहराम इरादा कर लिए चेहरा खुला रखना हाथ खुला रखना हाथ यहां तक हाथ यहां तक और चेहरा खुला रखना है जब तक एहराम की हालत में है आप चेहरा नहीं ढाकना है और हाथ भी नहीं ढाकना है हाँ कोई गैर मुहरिम सामने आ गए तो आप सामने से कपड़े से ओढ़ कर ले सकते आड़ कर सकती है लेकिन मुकम्मल तौर पर चेहरा ढाकना यह जायज नहीं है इससे ने इस्तेलाल किया है कि आम हालतों में चेहरा ढाकना है तभी तो कहा गया कि एहराम बांध लेने के बाद चेहरा खोलना है तो जब एहराम की हालत में नहीं है तो चेहरा ढांक के रहना चाहिए ये के लिए मसला हुआ। उसके बाद और एक गलती जो होती है, नमाज में की हालत में रहना इज्त का मतलब होता है कि मर्द लोगों को औरतों के लिए नहीं है ये मर्द लोगों के लिए ऊपर के के की चादर जो ओढ़े हुए है वो क्या करना है ये राइट साइड का कंधा जाहिर करना और चादर बगल के नीचे से इधर डालना है तो यह हिस्सा खुला रहेगा इसको बोलते इस्तेबा ये इस्तेबा की कैफियत है इस्तेबा सातों चक्कर में करना है मर्द खवातीन के लिए नहीं है और जब नमाज का वक्त हो जाए तो उस वक्त क्या करना है यह ढांप लेना है क्योंकि नबी ने फरमाया इसका कंधा खुला हुआ है उसकी नमाज नहीं होगी नमाज के वक्त में आप उसको कंधे को ढांक ले लीजिए उसके बाद फिर जब तबाव शुरू करें तो आप क्या करें उसको खोल लें उसको खोल लें एक मसला लोग कहते हैं कि जब आप नमाज पढ़ना शुरू करें तो क्या करें अपने अहराम की चादर को सर पे ओढ़ टोपी बना ले गलत बात है याद रखो मर्द के लिए अहराम की नियत करने के बाद सर ढांकना जायज नहीं है सर ढांक नहीं सकते आप बल्कि आप क्या करना चाहिए सर खुला रखना नमाज के वक्त में भी सर खुला रखना क्योंकि आप अहराम की हालत में हैं अहराम की हालत में हैं उसके बाद एक और गलती होती है खुतन से खवीन का हजर असवद के इस्तेलाम के लिए मर्दों से मिलना और गुत्तम गुत्ती होना भीड़ भाड़ में जाना भीड़ भाड़ में जाना ये मुनासिब नहीं है भीड़ भाड़ में जाना और मर्दों से जो है मिंगल होना और इख्तलात होना यह हराम है और हजर असवद का बोसा देना सुन्नत है उसके लिए आप हराम काम करें यह मुनासिब नहीं है फिर इसी तरह से हजर असवद के अलावा दीगर मुकाम को बोसा देना बोसा में सिर्फ हजर अस्वद का बोसा साबित है हजर असवद के अलावा किसी जगह का बोसा देना दुरुस्त नहीं है अस्वद को आप जा सकते तो डायरेक्ट बोसा देना या जो चीज उसको टच करे हाथ हो लकड़ी हो फिर उसका बोसा दे सकते हो उसके अलावा मुकामी इब्राहिम या रुक्न यामानी या, या काबे का दरवाजा किसी को बोसा देना साबित नहीं है ये गलत हर चीज को बोसा देने लगते हैं ये सही नहीं है हजरा सवद को दोनों हाथों से इशारा करना और अपने हाथों को बोसा देना हजरा सुवद को हर चक्कर में क्या करना है हजरा सवद को इशारा करके अब जाना अब दाया हाथ उठाए बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर शुरू करें दोनों हाथ उठाना फिर उसको बोसा देना नहीं यह तरीका जो हाजियों से गलती होती एक तरीका कि हजरा सवद को इशारा करते वक्त तो दोनों हाथ उठाकर हाथों को चूमना हजरा सवद को टच नहीं हुआ उसको चूमना नहीं है डायरेक्ट यानी तो जो टच हुआ है उसी को आप चूम सकते हैं एक और गलती साई में हरी बत्ती पर खातन का दौड़ लगाना साई में जो हरी बत्तियां हैं तो खातिन को दौड़ना नहीं मर्द को दौड़ना है रमल दौड़ना चाहे वो तवाफ में हो या साई में मर्दों के लिए है औरतों के लिए नहीं है औरतें दौड़ नहीं लगाना है साई के बाद दो रकात अदा करना कुछ लोग क्या करते तवाफ के बाद दो रकात है ना तो साई के बाद भी दो रकात नमाज अदा करते साई के बाद दो रक़ात नमाज नहीं है सही के बाद दो रखात नमाज नहीं है तो आमतौर तो से उम्र करते तो उम्र से उम्र से मुको गलत और गलतियां सरजद होती हैं आज हमने मालूम किए हैं आगे इन शाह हज से मुतिक जो गलतियाँ होती मालूम करेंगे दो्लाबर आपको सुन्नत रसूल के मुताबिक हज उम्रा करने की तोहफी फरए अल्लाह तमाम हाजी और मोतमर के हज उम्रे को अरकान मनासिकार इबादत को कबूल फरमाए आमी सोनबिला